डेटा कहता है कि पहले से कहीं ज़्यादा बच्चों में ऑटिज़म का निदान किया जा रहा है। मैं डॉक्टर भारती खैरनार हूँ, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, मणिपाल हॉस्पिटल खराड़ी पुणे से। आज हम ऑटिज़म के बारे में बात करते हैं। रिसर्च ये कहता है कि अगर पहले बच्चे में ऑटिज़म है तो अगले बच्चे में 15% शक्यता है कि उसे ऑटिज़म हो सकता है। लड़कों में लड़कियों की तुलना से 2 से 3 गुना ज़्यादा होने की संभावना है। अगर परिवार में 2 या ज़्यादा बच्चों को ऑटिज़म है तो 30% संभावना है कि अगले बच्चे को ऑटिज़म हो सकता है। कुछ जेनेटिक सिंड्रोम्स है, जैसे कि बॉयज़ में फ्रजाइल एक्स सिंड्रोम और गर्ल्स में रेट सिंड्रोम, इनमें ऑटिज़म हो सकता है। 18 महीने और उसके ऊपर ऑटिज़म के लक्षण बच्चों में इस तरह दिखते हैं कि 18 महीने के बाद भी एक भी मीनिंगफुल वाक्य नहीं बोलना। ये बच्चे पेरेंट्स को आई कांटेक्ट नहीं देते, अगर पेरेंट्स इनके साथ स्माइल करते हैं तो उनकी तरफ देख के स्माइल नहीं करते। इन बच्चों में पॉइंटिंग गेस्चर का अभाव रहता है, पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करते, पेरेंट्स के साथ इमिटेटिव प्ले नहीं खेलते। अगर पेरेंट्स ने पिकिंग अप गेस्चर दिखाया है तो वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते। पेरेंट्स अगर उनको हग करते या करेस करते तो इन्हें पसंद नहीं आता। ये बच्चे अलग रहना चाहते हैं, अपने उम्र के बच्चों के साथ मिक्स नहीं होना चाहते। 3 साल के बाद इन बच्चों में इस तरह लक्षण दिखते हैं कि ये पेरेंट्स के बुलाने के बाद भी ध्यान नहीं देते हैं, उनसे आई कॉन्टैक्ट नहीं करते। इनमें प्रिटेंड प्ले नहीं रहता है, जैसे बच्चा किचन सेट के साथ खेलता है, खाना बनाने की एक्टिंग करता है या टीचर की एक्टिंग करता है, ये इनमें नहीं रहता। ये बच्चे कुछ स्टीरियोटाइप रिस्ट्रिक्टेड मोमेंट्स या बिहेवियर करते हैं, जिसमें हैंड फ्लैपिंग, ट्विस्टिंग, टो वॉकिंग यानी पंजों पर चलना, या टक टक करके फर्नीचर पर आवाज़ करना, खिलौनों को एक लाइन में खड़ा करते हैं, या गाड़ी का पहिया गोल गोल घुमाना। ये बच्चे दूसरे बच्चों के साथ दोस्ती करना पसंद नहीं करते, उनमें मिक्स नहीं होते, अकेले ही रहना इन्हें अच्छा रहता है। इनको कुछ सेंसरी इश्यूज़ रह सकते हैं, जैसे डोर बेल या अलार्म की वजह से कान बंद कर देते हैं। इनको किसी चीज़ के टेक्सचर के भी प्रॉब्लम आते हैं। ये बच्चे पिकी फूड ईटर होते हैं। इन बच्चों में किसी खिलौनों की तरफ या वस्तु की तरफ अजीब तरह सा लगाव रहता है। इनमें कुछ चीज़ें जैसे म्यूज़िक, पजल सॉल्विंग या मैथमेटिक्स की तरफ खास अट्रैक्शन रह सकता है। बड़ों में ऑटिज़म के लक्षण इस तरह दिखते हैं कि इनमें संवाद करने में कठिनाइयाँ आती हैं, यह अपनी भावना व्यक्त नहीं कर पाते, इनकी स्पीच मोनोटोनस होती है, ये दोस्त नहीं बना पाते, भीड़ में इनको तकलीफ होती है, अकेले ही रहना पसंद करते हैं, एक ही तरह का व्यवहार बार बार रिपीट करते हैं, जैसे कि थ्रोट क्लियर करना। ये दूसरे की भावनाएं, फेशियल एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज समझ नहीं आ पाते, दूसरे के इमोशंस समझ नहीं पाते। इनमें कभी कभी कुछ सेंसरी इश्यूज, जैसे कोई गंध है या आवाज़ से चिंताएं हो सकती है। इस तरह उम्र के अनुसार ऑटिज़म के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अगर बच्चों में ऑटिज़म के लक्षण दिखाई देते हैं तो एक स्क्रीनिंग टूल है, एम चार्ट यानी मॉडिफाइड चेकलिस्ट फॉर ऑटिज़म इन टॉडलर्स, जिसमें एक प्रश्न संच है जिसके द्वारा स्कोरिंग दिया जाता है। यह 18 महीने, 24 महीने और 30 महीने में किया जाता है। अगर इस स्क्रीनिंग में ऑटिज़म के लक्षण दिखाई दिए तो इन बच्चों को तुरंत पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट और डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन को रिफ़र करना चाहिए। यहाँ क्लिनिशियन, पेरेंट इंटरव्यू, बच्चे का ऑब्जर्वेशन और DSM-5 क्राइटेरिया के अनुसार ऑटिज़म का निदान किया जाता है। इन बच्चों का फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल चिकित्सा की जाती है। अगर इन बच्चों में कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि मिर्गी आती है, तो उनके लिए EEG और MRI कर सकते हैं। अगर इन बच्चों में कोई डिसमॉर्फिक फीचर्स है, जैसे कि चेहरे के अलग पहलू है, तो उनमें जेनेटिक टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि बॉयज़ में फ्रजाइल एक्स सिंड्रोम के लिए और गर्ल्स में रेट सिंड्रोम के लिए। अगर बच्चों में ऑटिज़म के लक्षण पहचानने में या इंटरवेंशन करने में देरी हो गई
तो इनमें ऑटिज़म के कुछ प्रभाव दिख सकते हैं। इनमें लैंग्वेज यानी भाषा, स्पीच यानी बोली का विकास नहीं होता। इनमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़, हाइपर एक्टिविटी, एग्रेशन, मूड डिसऑर्डर्स, एग्रेसिव बिहेवियर जिसमें सेल्फ इंजरी हो सकती है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी यानी चिंता हो सकती है। इन बच्चों को स्लीप इश्यूज़ रहते हैं, इनको रिस्ट्रिक्टेड फूड हैबिट्स रहते हैं, इनको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जैसे पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, फूड एलर्जी, पाइका, गैस्ट्रोइसोफेजल रिफ्लक्स, भूख न लगना। ये बच्चे पिकी ईटर्स होते हैं, इसकी वजह से इनमें कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमियां हो सकती हैं जैसे कि विटामिन B12 और विटामिन डी। ऑटिज़म यह कोई बीमारी नहीं है, यह एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। अगर इसके लक्षण जल्द ही पहचाने जाए तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस और टाइम पे इंटरवेंशन करके इन बच्चों को काफ़ी मदद की जा सकती है, जिनसे ये अपनी डेवलपमेंट अचीव कर सकते हैं।